वैद्युत रसायन पढ़ रहे थे। वैद्युत रसायन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे और फैराडे का नियम भी अब जान चुके थे हम। एक बार फिर से थोड़ी सी कुछ बातों को सीख लें, जान लें, और उसके बाद फिर हम जो है चालकत्व पर और प्रतिरोधकता पर, उसके प्रभावी कारकों पर इसे चलते हैं। पहले उसके छोटे छोटे से जो टॉपिक्स हैं और छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम बता रहे हैं। ठीक है, देखें, जैसे हमने कहा था कि वैद्युत रसायन जो होता है उसके अंतर्गत हमारी रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के मध्य ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किसके मध्य होता है? रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा इसके बीच जो है ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। वैद्युत रसायन में क्या अध्ययन कर रहे हैं कि रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्म है वो हम करते हैं। तो वैद्युत रसायन का आधार जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो सकता है, त्यागना, त्याग करना या ग्रहण करना। ठीक है, और जब त्यागने और ग्रहण करने की बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि ये अभिक्रियाएं हमारी कैसी हैं? रेडॉक्स है। क्या कहते हैं? रेडॉक्स है। ठीक है, रेडॉक्स है। ठीक, तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया ही हो रही नहीं है क्योंकि हम त्यागने और ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, इसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? जैसे कि हमारा कोई पदार्थ है उसमें परमाणु, आयनों और अणुओं, जो भी कहेंगे, चाहे परमाणु में कहिए, अणु में कहिए, आयन में कहिए, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, जब वो ग्रहण कर लेता है तो अपचयन कहलाता है, जब त्याग करता है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, और जब ग्रहण कर लेता है तो क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक है, दोनों को मिला करके कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लिया, देखिए, जैसे मान लिया हमारा जिंक है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए, दो इलेक्ट्रॉनों का हमने क्या कर दिया? त्याग कर दिया यहाँ पे। तो दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर लिया तो कैसी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण हो गई। और जैसे मान लिया कि दो इलेक्ट्रॉन का जो है ग्रहण कर लिए, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हमारा ग्रहण कर लिए, फिर क्या हुआ? हमारा कॉपर सल्फेट बन रहा है, कॉपर बन रहा है सॉलिड में, ये क्या हो गई? अपचयन, अपचयन है। ये देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हमने क्या किया? त्याग कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? ग्रहण कर दिया। यहाँ पे त्याग कर दिया, यहाँ पे ग्रहण कर दिया, यानी कि यहाँ पे हमने निकाल दिया बाहर, घर से बाहर निकाल दिया, यहाँ पे घर के अंदर बुला लिया, तो क्या हुआ? जो आया अपचयन हो गया, जब गया तो ऑक्सीकरण हो गया। इस तरह से जब एक पदार्थ से दूसरे रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? एक पदार्थ से दूसरे पदार्थों में हमारे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, और यही स्थानांतरण जो हो जाता है उसी को हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कह लीजिए या रेडॉक्स अभिक्रिया कह लीजिए। और दोनों ही अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होते रहते हैं। ठीक है, केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जो दे देता है वो क्या कहलाता है? वो अपचायक कहलाता है। उल्टा है, जब दे देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं, यानी रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और जब वो ग्रहण कर लेता है तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इस तरह से रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जब हम ग्रहण करते हैं तो वो अपचयित हो जाता है, और जब हम त्याग करते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। बात को समझने की कोशिश करिएगा, ये थोड़ा सा अपोज में जा रहा है कि जब हम किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, ठीक है, यानी यह पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो क्या हो गया? वो अपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अपचायक। इसको हम और क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, एजेंट। ठीक, और जैसे मान लिया
ये ग्रहण कर लिया, तो क्या कहेंगे इसे हम? इसे कहेंगे आपको उपचायक, उपचायक या ऑक्सीकारक कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे और ऑक्सीकारक कहेंगे और या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट, ठीक है। अच्छा, जब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है, इसी की वजह से तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन भी आता है। ये छोटी छोटी बातें बतानी थी आपको, बेसिक आपने सीखा, रूल भी सीख लिया है, ठीक है। ये भी जानिए, ये जानना बहुत आवश्यक है कि क्या होता है यहाँ पर। जब रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का हम स्थानांतरण होता है, तो जितने भी हमारे तत्व होते हैं, एक्टिव कह लीजिए, एक्टिव तत्व कह लीजिए, उनकी ऑक्सीकरण संख्या में भी परिवर्तन हो जाता है। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, जिसका ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, उसकी क्या होगी। जैसे कहीं आप जाइए और आपके ही बारे में चर्चा है, तो क्या होता है, आपकी जो क्वालिटी है थोड़ी बढ़ जाती है। वही बात यहाँ भी होती है कि जब हम ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ का, तो तत्व की ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़ जाती है, ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़ जाती है। और जिसका अपचयन होता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। घट जाती क्या? जैसे मान लिया कि आप शादी ब्याह में जाते हैं, तो क्या होता है, जो मेन होता है यानी कि दूल्हा दुल्हन, उसका जो है भाव बढ़ जाता है। वही बात है कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई और बाकियों की ऑक्सीकरण संख्या घट गई, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीकरण संख्या जो है बढ़ती और घटती है। जैसे कि मान लिया कि कॉपर सल्फेट का हमारा कोई जलीय विलयन है और उस पे हमने जो है जिंक का टुकड़ा डाल दिया। कॉपर सल्फेट है, देखिए कॉपर सल्फेट है इस तरह से, जैसे, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, और जिंक का हमने एक जो है टुकड़ा डाल दिया, तो क्या बनेगा? देखिए क्या होता है, कॉपर है और ये जिंक है, किस तरह से, इस तरह से इसके ऊपर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो ये जिंक आयन है, ये जिंक से क्या हो गया, हमारा जिंक आयन है, और ये क्या हो गया हमारा, इस तरह से हुआ क्या यहाँ पर, देखिए ये तो हुआ, ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे निकल गया, आई बात समझ में। इस तरह से जो है ये हमारी हो गई कि कैसे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किस तरीके से होती है और किस तरह से ये वैद्युत रसायन में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना, बदलना क्या होगा, जब आप यहाँ से वहाँ जाएंगे या वहाँ से यहाँ आएंगे, तभी परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहलाती है और रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। उसमें भाग लेने वाले जो भी हैं, कोई ऑक्सीकारक एजेंट ऑक्सीकारक कहलाएगा, कोई अपचायक कहलाएगा, कोई ऑक्सीकारक एजेंट कहलाएगा, इस तरह से अलग अलग नाम हो जाते हैं। अच्छा, अब देखिए वैद्युत अपघटन आपने पढ़ा था, ये वैद्युत अपघटन क्या होता है, और आपने फैराडे का नियम भी पढ़ा था। तो देखिए चालकत्व तो क्या है इसी फॉर्म में, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए वैद्युत अपघटन, उसमें जो है विद्युत धारा क्या क्या होगा, संचालन होगा, गलित अवस्था में हो चाहे वो विलयन अवस्था में हो, उसमें क्या होता है, विद्युत धारा का ही संचालन होता है। तो वैद्युत अपघट्य में के विलयन में जो विद्युत की चालकता होती है, उसके विलयन चालकता क्या होगी, उसके वियोजन से जो हमारे इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे ना, उसकी उपस्थिति के कारण होते हैं। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया आप कोई गलित अवस्था में कोई जो है, या हमारा कोई विलयन है, उसमें विद्युत धारा ही तो संचालन होता है, विद्युत धारा हमारा चल रही है, विद्युत धारा बह रही है, तो जो विलयन की विद्युत चालकता है वो क्या है, उसमें जो वियोजन से जो वियोजन हो जाता है, वियोजन हो जाता है तो क्या हो जाता है, वियोजन होने पर क्या होगा, उसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, या कह लीजिए मुक्त आयन कह लीजिए, मुक्त आयन की जो उपस्थिति है उसके कारण होंगे, क्या होंगे, उसके कारण होंगे। जैसे मान लिया कि विद्युत अपघट्य का विलयन है,
देखें, हम आपको वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकत्व के बारे में बात करना चाहते हैं कि वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की जो विद्युतीय चालकता होती है वो विलयन में उसके वियोजन से जो उत्पन्न होते हैं मुक्त आयन उनकी उपस्थिति के कारण होता है, उनकी उपस्थिति के कारण होता है। अब देखिए वैद्युत अपघट्य विलयन जो कि ओम नियम का पालन करते हैं धात्विक चालक के तरह ही, ओम का नियम आपको मालूम है कि आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है। यानी ओम के नियम के अनुसार क्या होता है कि स्थिर विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो ई यानी कि वोल्ट है ये, ठीक है, जानते ही होंगे ई, पर किसी चालक में प्रवाह विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होगी आई, और यानी कि इसे हम कैसे नापते हैं एम्पियर में, ठीक है। इसके चालक के प्रतिरोध, प्रतिरोध आर के विद्युत प्रमाणपाती होता है, आर का क्या होता है ओम, ठीक है, रेसिस्टेंट का जो यूनिट है वो क्या है ओम है, इसके विद्युत प्रमाणपाती होता है, क्या होता है विद्युत प्रमाणपाती होता है, यानी कि वैद्युत अपघट्य के विलयन जो है ओम के नियम का ही पालन करते हैं, और उनका नियम यही है कि स्थिर विद्युत वाहक बल जो है मतलब वोल्ट पर किसी चालक के विद्युत धारा प्रवाह चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब चालक के प्रतिरोध आर का जो व्युत्क्रम होता है, आर का व्युत्क्रम ठीक है, आर का व्युत्क्रम ही उसका चालकत्व कहलाएगा, आर का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा चालकत्व कहलाएगा आर यानी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध क्या है आर है ठीक है। इसका व्युत्क्रम क्या है, इसका व्युत्क्रम कर दिया जाए तो क्या होता है ये चालकत्व, व्युत्क्रम ही क्या कहलाएगा उसका चालकत्व कहलाएगा। देखिए कोलरास नियम पढ़ रहे थे हम लोग, तो आयनों के स्वतंत्र अवयवन के नियम के अनुसार, स्वतंत्र अवयवन मतलब जो चलने के लिए स्वतंत्र हो, ये सारी बात अनंत तनुता पर आती है, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की कुल चालकता में, वैद्युत अपघट्य की कुल चालकता में प्रत्येक आयन एक निश्चित, बात को समझने की कोशिश करिएगा, एक निश्चित मात्रा का योगदान करता है, जैसे कोई जो है जो कि दूसरे आयन के नेचर पर निर्भर नहीं करता, जो दूसरे आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, जैसे कि मान लिया किस पे निर्भर कर रहा है, एक निश्चित मात्रा का योगदान दे रहा है, ठीक है, आयन जो है कुल चालकता कहाँ पर अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर जो वैद्युत अपघट्य की कुल चालकता है वो प्रत्येक आयन की एक निश्चित मात्रा का योगदान करता है, जो कि दूसरे आयनों के नेचर पर निर्भर नहीं करता, ऐसा नहीं कि उसका नेचर कैसा है उसको देख करके काम करता है, एक विशिष्ट एक निश्चित मात्रा में योगदान जो है देता है। अब इस नियम को हम व्यक्त कैसे करेंगे, देखिए किसी वैद्युत अपघट्य की जो अनंत तनुता पर, बात किस पर है अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता कैसे लिखेंगे इसे, देखिए अनंत इस तरह से और ये मोलर हो गया, चालकता हो गई इस तरह से, उसके धनायनों, ठीक है, धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर,
अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं, मोलर चालकताओं, मोलर चालकताओं कौन, जैसे कि कैसे लिख सकते हो, इस तरह से, ठीक है, अनंत तनुता पर बात हो रही है तो इस तरह से लिखिए, अनंत भी दिख रहा है, माइनस प्लस भी, और ये का कुल योग होता है, का कुल योग होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिखिए, जैसे कुल योग को कैसे लिखाएंगे हम, इस तरह से लिखिए, इज इक्वल टू वी प्लस और लैम्डा एम प्लस और ये माइनस और प्लस में वी माइनस लिखिए, लैम्डा लिखिए और एम माइनस लिखिए और इस तरह से रिप्रेजेंट करिए। ये जो हमारा वी और प्लस और माइनस दिख रहा है ये क्या है, ये वैद्युत अपघट्य का एक अणु है, वैद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य का अणु, ठीक है, और ये जो वियोजन, वियोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वियोजन से जो धन है, वैद्युत अपघट्य का एक अणु ऐसा है जो कि वियोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको दिखा रहा है, उसकी संख्याओं को बता रहा है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे कोलराज का नियम, ये आयन की जो चालकताएं होती है वो गतिशील होती है और आयनों के स्वतंत्र अवगमन के में ही कोलराज का नियम सहायता करता है, जिसमें दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो प्रबल विद्युत अपघट्यों के विलयनों में जो अनंत मोलर चालकता है उससे हम निकाल सकते हैं। इसको लिख कैसे सकते हैं, जैसे मान लिया हमें कोई एक उदाहरण दिखाना हो, एग्जाम में जो है दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं, किस तरीके से दिखा सकते हैं, देखो जैसे मान लिया कि हमने क्या कहा कि अनंत तनुता पर चालकता है और जो धन आयन और ऋण आयन है उनकी मोलर चालकता के योग के बराबर है, तो प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य के सूत्र में हम लिख सकते हैं। अब जैसे मान लिया किसी अमान्य हाइड्रोजन क्लोराइड का, एसिटिक एसिड का, सोडियम एसिटेट का, इस तरह से अगर हमें दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए इस तरह से HCl हो गया और इज इक्वल टू दिखा करके ये प्लस माइनस में टूट जाएगा तो H प्लस हो जाएगा और ये जो है हमारा दूसरा Cl माइनस हो जाएगा, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। इसी में भी हमने वैद्युत अपघटन भी बताया था, वैद्युत अपघटन मतलब विद्युत धारा के द्वारा जो अपघटन होता है वैद्युत अपघटन कहलाएगा, जैसे कि हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है हमारा NaCl, ठीक है, विद्युत अपघटन होगा तो विद्युत अपघटन कराया हमने, विद्युत अपघटन यहाँ पे लिख दीजिए और जो दो हमारे सोडियम और Cl2 इस तरह से ब्रेक हो गए, ठीक है, यानी कि जो गलत सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा जब प्रवाहित किया गया तो सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो गया, इस तरह से आप दिखा सकते हैं अपघटन को। इसका प्रभाव क्या होता है, देखिए इसका प्रभाव ये है कि यदि किसी विलयन में दो या दो से अधिक धन और ऋण आयन उपस्थित हो तो उसकी विद्युत अपघटन करने पर जो इलेक्ट्रोड है उस पर केवल एक विशेष प्रकार का आयन ही मुक्त होता है और बाकी सारे आयन नहीं उसमें जो है मुक्त होंगे, नहीं जाएंगे, सारे आयन नहीं जाएंगे। ऐसी अवस्था में जो है आयन की जो आक्षेपण शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है और वही वो कैथोड पर पहले मुक्त होगा, जैसे कि हमारा पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे हैं। इस प्रकार से एनोड पर ये मुक्त होने वाले जो ऋण आयन है वो वही ऋण आयन मुक्त होते हैं जिसकी आक्सीकरण क्षमता जो है अधिक होती है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कम हो, और जब ऋण आयन जो है मुक्त होने का जो क्रम होता है, जैसे सल्फेट है, नाइट्रेट है, हाइड्रोक्सिल है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, अब इसमें आयोडीन की सबसे अधिक है, जैसे कि अभी हमने पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, हाइड्रोजन, कार्बन, सॉरी कॉपर और सिल्वर और गोल्ड की बात करी, प्लेटिनम की बात करी, इसमें प्लेटिनम की सबसे अधिक है और पोटेशियम की सबसे कम है। जितना ही उसके ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, धन आयनों का जो क्रम है उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक होगा क्योंकि आक्सीकारक शक्ति जो है उसकी प्रबल है। लेकिन जब एनोड पर मुक्त होते हैं, एनोड पे कौन जाएगा, हमारे ऋण आयन, और वही ऋण आयन जाएंगे जिनकी अपकारक क्षमता जो है, आप चाहे
क्षमता जो है वो अधिक प्रबल होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, आप चाय क्षमता में इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसका मान कम होगा। और जो ऋणायनों को जो मुक्त होने का क्रम है वो कैसा होगा, सल्फेट का सबसे कम, फिर नाइट्रेट का उससे अधिक, हाइड्रोक्सिल का और अधिक, क्लोरीन का और अधिक, ब्रोमीन का और अधिक, और आयोडीन का उससे भी अधिक। अब जो हम इलेक्ट्रोड 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 बात कर रहे हैं वो और क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, देखते हैं इलेक्ट्रोड क्या है। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी कोलराज के नियम में, जो कि अनंत तन्यता पर बात की गई, सोडियम विद्युत अपघटन भी आपने देख लिया, HCl का एक एग्जांपल भी देख लिया, और आपको हमने क्या बताया, विद्युत अपघटन का प्रभाव भी बताया। विद्युत अपघटन का प्रभाव कैसा होता है ये भी आपने देख लिया, विद्युत अपघटन का प्रभाव हो गया। तो अब आप जानिए कि हमने बार बार इलेक्ट्रोड वर्ड बोला था, ये इलेक्ट्रोड क्या होता, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको वर्ड ही नहीं समझ में आएगा तो आप कितना रट करके क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, देख रहे हैं इलेक्ट्रोड क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड से पहले आपने क्या जाना था, अभी विद्युत अपघटन का प्रभाव, विद्युत अपघटन का प्रभाव, घटन का प्रभाव, प्रभाव क्या था, प्रभाव में आपने क्या सुना कि अधिक विलयन में दो या अधिक जो है क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं, तो विलयन में वो क्या कहा जाते हैं, विद्युत अपघटन करने पर इलेक्ट्रोड पर एक विशेष प्रकार का ही आयन वहां पर उपस्थित हो पाता है, सारे आयन नहीं हो पाते हैं, ठीक है, सारे आयन नहीं आ पाते हैं। तो अब क्या करते हैं, ऐसी अवस्था में क्या होता है कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है अधिक हो जाता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका अधिक होगा, जिसकी ऑक्सीकरण क्षमता जो है वो अधिक होगी। उसी क्रम में अब ये तो कैथोड पे जा रहे हैं, कैथोड पर ही मुक्त हुए, लेकिन जो एनोड पर मुक्त होंगे उनका क्या होगा, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि उनकी अपचायक क्षमता प्रबल है, जिसमें हमने बताया कि आयोडीन की सबसे अधिक होगी और कैथोड वाले में सबसे अधिक प्लेटिनम की होगी, ठीक है। वो क्रम देख लीजिए विद्युत अपघटन के क्रम में, जब कैथोड पर मुक्त होंगे, कैथोड पर मुक्त धनायन, हमने बोला था पोटेशियम कैल्शियम, देखिए कैसे कैसे इसका क्रम ही भी बनाते जाइए, कैल्शियम देख लीजिए, पोटेशियम कैल्शियम हो गया 2+, अब देख रहे होंगे आप ध्यान से अगर इसको, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे कैसे ये इनकी जो ऑक्सीकरण क्षमता है वो कैसी है, बढ़ती हुई चली जा रही है, ठीक है। इसी क्रम में एल्यूमिनियम भी है 2+, सॉरी 3+ हो जाएगा, और जिंक है, आयरन है, और हाइड्रोजन आयन है, कॉपर है, सिल्वर है, और हमारा गोल्ड है, और प्लैटिनम है, ठीक है। ये है हमारे कैथोड पर मुक्त धनायन, ठीक है। अब आते हैं एनोड पर, ठीक है, एनोड पर देखेंगे यहाँ पे ई जो का मान, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे हमारा सल्फेट, ठीक है, सल्फेट और नमक का सॉल्यूशन, ठीक है, हमने एक धातु की छड़ यहाँ पे रख दी, ये बात इलेक्ट्रोड की हो रही है, ठीक है, रख दिया। तो धातु की जो प्लेट है इस पे आवेश उत्पन्न हो जाता है, अब ये आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश देखिए दो तरीके से, धन और ऋण, दो चार्ज होते हैं, आवेश कब उत्पन्न होता है, जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ दी जाती है, ठीक है, रगड़ी जाती है, तो इस तरह से तो धातु की प्लेट पर क्या
उत्पन्न हो जाता है, हमारे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। और विलयन में समान मात्रा में विपरीत, अब एक इलेक्ट्रोड कोई इस पे होगा और कोई इस पे होगा, यानी कोई धन इसमें होगा या ऋण इसमें होगा, ऋण इसमें होगा या धन। अब इस पे कोई जा करके अगर बैठ जा रहा है तो वो कैसा उत्पन्न होगा, कैसा होगा धातु की प्लेट पे, कैसे धातु की प्लेट क्या कहलाएगी अगर इस पे चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, इसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं कि धातु की प्लेट पर क्या उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और विलयन में जो है समान मात्रा में इसी के खिलाफ विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी धातु की प्लेट को या छड़ को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब जो उत्पन्न आवेश है वो क्या है, वो दो तरीके के होते हैं। हमने क्या कहा कि इसी आधार पे, इलेक्ट्रोड के आधार पे जो उत्पन्न हुआ है यहाँ पे आवेश, इस आधार पे कहेंगे कि दो आवेश हैं, एक कैथोड दूसरा एनोड, एक एनोड दूसरा कैथोड कहिए या कैथोड या एनोड कहिए। अब आती है बात दूसरे क्रम में, कैथोड और एनोड की बात क्लियर हो गई और आपको इलेक्ट्रोड भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कैथोड और एनोड पे आपने देख लिया कि कैथोड पर मुक्त धन आयन किस तरीके से है और एनोड पर मुक्त आयन किस तरीके से है, किसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, इलेक्ट्रोड किसमें अधिक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं आयनिक चालकत्व, ठीक है। चालकत्व, आयनिक चालकत्व का मतलब क्या है कि विद्युत अपघटन गलित अवस्था या विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। और जो ये विलयन में उपस्थित जो आयन है उन्हीं के कारण विद्युत का चालकत्व होता है, ठीक है। तो इसी को हम जो है आयनिक चालकत्व तो कह देते हैं। यानी कि विलयन में पहले तो क्या बात है कि विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं, विद्युत अवघट्य, विद्युत अवघट्य, विद्युत अवघट्य गलित अवस्था, गलित अवस्था एवं विलयन, एवं विलयन में विद्युत धारा का, विद्युत धारा का संचालन करते हैं, संचालन करते हैं, विद्युत विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। तो विलयन में कौन होता है, आयन, विलयन में कौन होते हैं, आयन। यानी कि विलयनों में, विलयन में आयनों के कारण, आयनों के कारण ही क्या होता है, विलयन आयनों के कारण चालकत्व को विद्युत अपघटनी या विद्युत अपघटनी कहो या आयनिक चालकत्व कहो, क्या कहो, आयनिक, आयन की वजह से होता है ना, आयन की वजह से होता है। देखिए अब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, विलयन में क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा और विद्युत धारा में कौन बहते हैं, आयन होते हैं, तो उन्हीं आयनों के कारण क्या होता है, आयनिक चालकत्व होता है, विद्युत चालकता, ठीक है, आयनिक चालकता होती है। अच्छा, ये सारे जो विद्युत अपघटन की चालकता की बात कर रहे हैं, चालकत्व की बात कर रहे हैं, ये हमारे ओम के नियम का भी पालन करते हैं, ठीक है, ओम के नियम का पालन करते हैं। तो जो चालकत्व हो गई, यानी कि चालक का जो प्रतिरोध है आर, उसका व्युत्क्रम, चालक का प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम क्या है, उसका चालकत्व हो गया, उसका चालकत्व हो गया। अच्छा, अब देखिए इसको जो है हम किसमें व्यक्त करते हैं चालकत्व को, ऐसा तो लिख सकते हैं कि जी इजुकल टू वन अपॉन आर, ऐसा लिख सकते हैं, चालकत्व का व्युत्क्रम हो गया तो ओम का इन्वर्स हो जाएगा, है ना, जो ओम बनाते हैं उसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक, इस तरह से। या एस लिख सकते हैं, वन एस इजुकल टू जो है वन ओम इन्वर्स, इस तरह से लिख सकते हैं। प्रतिरोध की जो लंबाई होती है वो लंबाई के
अनुप्रमाणुपाती और उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के विरुद्ध प्रमाणुपाती होती। किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, जो आर होता है, उसकी लंबाई आर की लंबाई क्या होती है? किसी भी चालक का प्रतिरोध आर, उसकी जो लंबाई एल होती है, उसके समानुपाती यानी कि आर ऐसे एल ऐसा होता है, और उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल ए के विरुद्ध प्रमाणुपाती होती है, यानी कि ऐसे ए के विरुद्ध प्रमाणुपाती होती है। इस तरह से हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू एल और अपॉन ए, ठीक है। इस तरह से पहले समानुपाती, और इस समानुपाती के चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस तरीके से हम बता सकते हैं चालकत्व को, ठीक है। चालकता यानी विद्युत चालकता जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो गया, इसको हम ओम इनवर्स या मो इनवर्स इस तरह से ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम रो एक कांस्टेंट के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात हमारी मोलर चालकता की। मोलर चालकता क्या होती है, देखते हैं मोलर चालकता क्या होती है, ध्यान से देखेंगे इस बात को। अगर आप समझे ना हो तो एक बार और बात को सुन लीजिए। आयनों के कारण ही सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए आयनिक चालकत्व कहलाएगा, और उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, मतलब प्रतिरोध का ही व्युत्क्रम है, उसको हम चालकत्व कहते हैं। इसको ओम इनवर्स या जो है आप ऐसा कह सकते हैं इसको कि सीमेंज भी कहते हैं, सीमेंज। और एक सीमेंज जो है एक ओम पर सेकेंड के बराबर होता है। तो हमने कहा कि जो प्रतिरोध होता है, जो आर होता है, वो आर किसके समानुपाती होता है, उसकी लंबाई के, और किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया यानी उसके जो है क्षेत्रफल के, ठीक है, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से जब ये दोनों आपस में मिलाए जाते हैं तो आर समानुपाती एल बाई ए हो गया, और इस समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है समानुपाती, इसके समानुपाती है उसके व्युत्क्रमानुपाती। तो इसकी जगह पे हम हटा करके क्या कर सकते हैं, रो कांस्टेंट के रूप में यूज कर सकते हैं और एल अपॉन ए इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और किसी भी जो भी कोई भी पदार्थ है, चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये इसका जो SI यूनिट में इसको हम लंबाई और क्षेत्रफल को, इसको मीटर में लंबाई को और क्षेत्रफल को मीटर वर्ग मीटर में नापते हैं। तो जो रो है वो पदार्थ का घन मीटर को बताता है, यानी कि रो इज इक्वल टू, अगर हम निकालेंगे कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, तो रो इज इक्वल टू हो जाता है हमारा आर और ए अपॉन एल के, ठीक है, ए अपॉन एल के, इसको हम ओम में नापते हैं। तो पहले तो प्रतिरोधकता की जो माप है वो पदार्थ के सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर के रूप में होती है और होती थी, लेकिन जो रो का मात्रक है उसको हम ओम सेंटीमीटर भी मतलब ऐसा भी बोला जाता था, ठीक है। बात समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर वापस से बात करते हैं, ठीक है। हमने आपसे कहा कि किसी भी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होगी वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा, और इस तरह से हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं जैसा कि अभी आपने देखा। अब देखिए विशिष्ट चालकता, जब हम विशिष्ट प्रतिरोध जान लिया, हमने चालकत्व तो जान लिया, विशिष्ट चालकता क्या होगी या विशिष्ट चालकत्व तो क्या कहलाएगा। जैसे मान लिया कोई भी पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है, उसका जो व्युत्क्रम कर दीजिए वो क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू लिखिए या सॉरी के इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं 1/ρ के, और इसकी यूनिट क्या होगी, विशिष्ट चालकत्व को हमने के क्यों लिखा, के को विशिष्ट चालकत्व को हम के से लिखते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के इज इक्वल टू 1/ρ के बराबर होता है। जिसका मात्रक अगर हम देखें तो चूंकि विशिष्ट चालकता पदार्थ के एक घन मीटर का चालकत्व है, तो मात्रक जो है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में भी हो जाएगा, लेकिन ओम की माप जो है ओम सेंटीमीटर या ओम इनवर्स सेंटीमीटर ही होगी। अब देखिए
विलयन का जो चार तत्व है विलयन में किसके ऊपर निर्भर करेगी, अभी हमने बताया था आपको कि वो आयनों के उसके नेचर के ऊपर निर्भर करती है, उसकी सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है। जो चार तत्व है वो विलयन में उपस्थित उसके आयनों के प्रकृति के ऊपर, उसके नेचर के ऊपर और उसके सांद्रता के ऊपर ही निर्भर करती है। जैसे कि मान लिया चार तत्व ताप वृद्धि किया तो बढ़ जाएगा, ताप में वृद्धि हुई तो बढ़ जाएगा। मान लिया कि विलयन तनु है तो विशिष्ट चालकता भी घट जाती है। और जब हम विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो आयनों की संख्या प्रति घन सेंटीमीटर में विलयन की इतनी प्रति संख्या में घट जाती है। बात आप अगर समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब है सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, आयनों के ऊपर, उनके नेचर के ऊपर, उनकी सांद्रता के ऊपर। तो जब ये बढ़ेंगे तो बढ़ाई जाएगी, घटेगी तो घटाई जाएगी। अगर मान लिया विलयन तनु है, तनु विलयन के लिए है, तो उसकी विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी, के जो है घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि आयनों की जो संख्या है उसी के ऊपर निर्भर कर रही है, उसके नेचर के ऊपर निर्भर कर रही है, उसके सांद्रता के ऊपर निर्भर कर रही है। तो अगर वो घट जाएगी तो क्या होगा, वो भी घट जाएगी। आई बात समझ में? ये हो गई आपकी चालकत्व और प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता, ठीक है। अब चालकता में मोलर चालकता क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है।